नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। पंजाब से निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने राज्य के इस द्विवर्षीय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्यसभा सदस्यों सुखदेव सिंह ढींढसा, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह डुलो का कार्यक्रम 9 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। पंजाब के निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने रविवार को कहा कि समय सारणी के अनुसार द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना सोमवार यानी 14 मार्च को जारी की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 मार्च है, जबकि इसकी जांच पड़ताल 22 मार्च को की जाएगी। वहीं नामांकन वापस लेने की तारीख 24 मार्च है। चुनाव का आयोजन 31 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा और मतों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। पंजाब के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 2 अप्रैल से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र विधानसभा सचिव को सौंपना होगा, जो राज्यसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी। नामांकन पत्र होली के कारण 18 मार्च को और रविवार के चलते 20 मार्च को नहीं भरे जा सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।